मुझे बोला प्लीज पास्कल ऑक्सीजन मिल सकता है क्या? मैं बोला वाइफ ने सुना, वाइफ बोलता है एक काम कर, किसको ऑक्सीजन चाहिए? मैं बोला वो स्कूल का टीचर, फौरन लेके जा और दे दे, तो मेरी जान का परवाह नहीं करना, मैं एकदम फिट हूँ, ये ऑक्सीजन जिसको लगता है तो वो ऑक्सीजन जाके उनको दे दो, मुझे कुछ नहीं होएगा, अब ये लेके जाओ ऑक्सीजन और तो उसको लगा दे। कर ऑक्सीजन का बहुत जरूरत है, बहुत लोग मर रहे, किधर ऑक्सीजन मिल रहा नहीं, मैं मेरे गई ना तुमको दे रहे हूँ, वो जाके तू भेज दे, जो भी पैसा आता है उसको ऑक्सीजन ले लो, ये मैं दे रहा हूँ। जो बेचारा ऑटो पे या रिक्शे पे आ रहा है उसको हॉस्पिटल के बाहर तक भी नहीं खड़ा होने देते थे, उनको हमने बेडों पे लाके ऑक्सीजन देके उनको जीवनदान दिया। सर अमीरों के पास जहाँ मर्सिडीज भी खड़ी है या रिक्शा भी खड़ा है, पर जिसको प्रायोरिटी थी हमने रिक्शे वाले की, अगर ना कोई कौम ना कोई हमने ये देखा कोई हिंदू है मुस्लिम सिख है, हमारे लिए सब बराबर है, तभी ये सेवा सफल है। एक भी नॉट अ सिंगल पर्सन, करीब 15,000 आदमी यहाँ पे आए जिन्होंने 8 से 10 हज़ार उस सिचुएशन पे थे, उनको 2 मिनट या 5 मिनट भी अगर ऑक्सीजन लेट होती तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था, इस करके यहाँ गुरु का घर फ्री सेवा थी, हम किसी को मना नहीं किया। We will have to really focus a lot of our attention to making sure that we ramp up the entire vaccination drive so that we are able to vaccinate people not just in cities but down to every village level. Pandemic will run its natural course. Just give it 2 months, case numbers will come down. But the real tragedy is that they're not coming down because of any kind of concerted effort or action. They're just coming down because they've gone around, infected people, people have died. We're sort of living in the jungle where this is how it works.